हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। मैं तरसिंह TNI कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी के लिए गुड न्यूज है, आप लोगों के मोटिवेशन और शक्ति को देखते हुए बेटा TNI कॉलेज जैसे ही वो लॉकडाउन खुलेगा उसके 1 वीक के अंदर आपकी ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। आप लोगों के कमेंट पढ़ के बड़ा अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। तो बेटे ये जो अब घर से यूट्यूब से काम चला रहे हैं जैसे तैसे करके, जैसे लॉकडाउन खुलेगा 1 वीक के बाद शुरू हो जाएगी, तब तक के लिए हल्के फुल्के डेमो या जो जो टॉपिक हमसे बन पड़ता है सोल्व करा देंगे बेटा आपका। और इसमें क्योंकि लंबी ज़्यादा अगर वीडियो बन जाती है तो सेंड नहीं हो पाती, तो इसलिए तब तक बेटे छोटी छोटी वीडियो के तहत 15-20 मिनट 25 मिनट की वीडियो के तहत हम अपना काम चला देंगे बेटे। अब जो है आगे अगले सब्जेक्ट की भी क्लास शायद मैथ की रहेगी आपकी, जल्दी रखेंगे। तो बेटे आज अगर हम बात करते हैं तो आज जो हिंदी है, अब हिंदी में बेटे हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करें हिंदी व्याकरण की, तो बेटे हिंदी व्याकरण में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लगभग प्रत्येक बोर्ड के प्रत्येक परीक्षा में पूछी जाती है, चाहे कोई वो टेस्ट दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, KVS का हो, DSSB हो, रिट का हो, तो कुछ टॉपिक ऐसे फिक्स हैं वो पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक है, जैसे आप लोगों की डिमांड आई थी कि सर एक बार समास जो टॉपिक है उसका रिवीजन करा दें, तो आज बेटे हम समास को करेंगे। समास बिल्कुल आसान टॉपिक है, हिंदी में 2-3 टॉपिक आसान है, एक तो समास आसान है, एक संधि और एक अलंकार, और तो हिंदी में मानते हैं हम थोड़ा, लेकिन समास बेटे बिल्कुल ही आसान टॉपिक है। शायद आप लोगों ने अच्छे से किया नहीं या बेटे पुक्ष में अच्छे से नहीं कर पाए, इसलिए समास में दिक्कत होती है। देखते हैं आज ही क्लास के बाद बेटे, आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेज हम आपको प्रोवाइड करा दें। तो बेटे देखते हैं समास क्या बीमारी है। तो सबसे पहले बेटे समास में 3 से 4 बातें जो ध्यान देने की, उसके बाद तो समास में कुछ है ही नहीं बेटे। समास की परिभाषा बेटे, दो स्वतंत्र शब्दों के मेल से, दो स्वतंत्र शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं बेटे, उसे समास कहते हैं। देखिएगा दो स्वतंत्र शब्द, एक तो बेटे ये चीज यहां पे नहीं है, एक ये नहीं है। इससे पहले कुछ बुक्स में शायद आपने पढ़ा होगा किसी बात को संक्षिप्त में कहना समास है, संक्षिप्त में कहना समास है, ठीक है ये भी। लेकिन परिभाषा ऊपर वाली देखते हैं बिल्कुल क्लियर, मतलब संक्षिप्त मतलब छोटा, संक्षिप्त मतलब छोटा, छोटे में कहना, देखते बेटे ऊपर वाली परिभाषा से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। 2 मिनट के लिए केवल आप ध्यान देंगे, उसके बाद समास पक्का। ध्यान देखो बेटे, एक तो ये चीज है जो आपको परेशान करने वाली, एक नया शब्द। तो स्वतंत्र शब्द क्या होते हैं बेटे, देखो अगर बात करें स्वतंत्र शब्द की, बेटे स्वतंत्र शब्द क्या बीमारी है बेटे, जब तक कोई शब्द वाक्य में प्रयोग नहीं होता बेटे, वाक्य में प्रयोग नहीं होता या दूसरे शब्द के साथ नहीं जुड़ता, दूसरे शब्द के साथ नहीं जुड़ता
तब तक वह बेटे तब तक वह शब्द शब्दांतर रहता है बेटे, तब तक वह शब्द शब्दांतर रहता है। देखो बेटे ये है समझाने के लिए कि जब तक कोई शब्द वाक्य में प्रयोग नहीं होता या दूसरे शब्द के साथ नहीं जुड़ता वो स्वतंत्र रहता है। देखिएगा कैसे, जैसे शब्द है बेटे कमल, शब्द है चार, ये कमल स्वतंत्र है क्योंकि बेटे वाक्य में प्रयोग नहीं है। अब कमल एक फूल भी हो सकता है, किसी लड़के का नाम भी हो सकता है, किसी स्कूल का नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आ जाए कमल अच्छा लड़का है, ये वाक्य प्रयोग है बेटा कमल अच्छा लड़का है, तो इट मीन्स कमल यहाँ पर एक लड़का है, तो ये बेटे वाक्य में प्रयोग हो गया, अब ये स्वतंत्र नहीं। इसी तरह से चार, चार बेटे वाक्य में प्रयोग नहीं है ना दूसरे शब्द के साथ जुड़ा है तो बेटे स्वतंत्र है। जैसे चार आदमी, चार गांव, चार बुक, चार पशु, कुछ भी हो सकते हैं बेटे, तो चार जैसे चार पाई, तो अब ये स्वतंत्र ना। तो बेटे कहने का मतलब जब तक कोई शब्द वाक्य में प्रयोग नहीं होता या दूसरे शब्द के साथ नहीं जुड़ता वो स्वतंत्र कहलाता है। तो बेटे देखिएगा क्या है कि दो स्वतंत्र शब्दों के मेल से अब बात करते हैं जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो बेटे नए शब्द की ओर बीमारी देखते हैं, नया शब्द समझिएगा बेटे, दो स्वतंत्र शब्द सपोज करो, एक शब्द है चार, दूसरा शब्द है पाई, दो स्वतंत्र है बेटे, एक और दो, दो स्वतंत्र थे, एक चार था एक पाई था, दोनों का मेल करा दिया, मेल मेल मतलब मिला दिए, मेल कराने के बाद बना बेटे चार पाई। तो बेटे मेल करने के बाद चार पाई बना। अब यहां से लेते हैं नया शब्द, नया शब्द का मतलब बेटे शब्द का अर्थ बदलना, क्योंकि बगैर अर्थ के शब्द का कोई महत्व नहीं रहता बेटे, शब्द का अर्थ बदलना नया शब्द कहलाता है बेटे बदलना। जैसे देखते हैं एक शब्द था चार, चार का मतलब फोर, और बेटे पाई, पाई का मतलब पैर, अर्थात चार पैर, लेकिन क्या इसका मतलब चार पैर है? चार पाई बेटे चार पैर गधे के भी होते हैं, घोड़े के भी होते हैं, भैंस के भी होते हैं, गाय के भी होते हैं, कुत्ते के भी होते हैं, क्या हम बोलते हैं चार पाई आ गई कुत्ता खड़ा चार पाई? नहीं बेटे, चार पाई मतलब खाट, चार पाई मतलब खाट की सरकालो खटिया, तो बेटे चार पाई मतलब खाट। तो बेटे नया शब्द बन गया, इट मींस इस चार पाई का चार और पैर ने अपना अर्थ बदल लिया, एक कहलाया बेटे नया शब्द। आगे बढ़ते हैं बेटे, यस इसका समास के जो अब आगे जो भेद है भेदों के हिसाब से चलते हैं बेटे, थोड़ा सा दान देंगे आप समय का, उसके बाद समास मिनटों के हिसाब से हो जाएंगे बेटे क्लियर। तो बेटे एक बार फिर परिभाषा में रिपीट कर देता हूं, दो स्वतंत्र शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता उसे समास कहते हैं, अर्थात दो शब्द पकड़ के मिलाए जाते हैं उनका अर्थ बदल जाता है समास। बेटे देखते हैं सबसे पहले बेटे देखिएगा पॉइंट नंबर एक, समास में, समास में दो पद होते हैं बेटे, दो पद, पद का मतलब बेटे शब्द, दो पद होते हैं ये जरूरी बेटा जानना। देखिए जो पहले लिखा जाता है, जो पहले लिखा जाता है, जो पहले लिखा जाता है उसे बेटे पूर्व पद या पहला पद कहते हैं, पूर्व पद या पहला पद कहते हैं। उसके बाद बेटे जो जो बाद में लिखा जाता है, जो बाद में लिखा जाता है उसे उत्तर पद या द्वितीय, दूसरा पद कह लो या बेटे द्वितीय पद कह लो, द्वितीय पद कहते हैं, द्वितीय का मतलब दूसरा भी हो जाएगा या पहले का मतलब प्रथम भी हो जाएगा, प्रथम तत्सम है पहला तद्भव है। देखिएगा जैसे स्पोज करो बेटे यहाँ लिखा कमल नैन, लिखा बेटे कि भाई कमल नैन, कमल नैन लिखा बेटे, तो पहले कमल लिखा गया बाद में नैन, तो बेटे कमल है पहला, पहले लिखा गया पहला पद, क्योंकि देवनागरी लिपि लेफ्ट से राइट लिखी जाती है बेटे, बाद में लिखा गया वो दूसरा पद, ठीक है। इस तरह से ये पूर्व पद, इसी तरह से आपने लिखा था बेटे चार पाई, अभी करा था हमने चार पाई, चार पहले लिखा गया पहला पद बेटे और पाई जो है वो दूसरा पद, तो प्रत्येक समास में बेटे दो पद होते हैं, दोनों पदों को मिलाना
समस्त पद कहलाता है या समास कहलाता है, अलग करना विग्रह कहलाता है। समास विच्छेद नहीं, समास विग्रह होता है क्योंकि विग्रह का मतलब होता है अलग करना, विच्छेद का मतलब होता है बेटे टुकड़े करना। तो शब्द के टुकड़े होते हैं संधि में जो वर्ण है उनके, तो बेटे समास में अलग होते हैं, टुकड़े नहीं होते। इसके बाद बेटे सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास बेटे देखिएगा बिल्कुल आसान है। अव्ययी भाव समास नाम से प्रचलित है, पता चलता बेटे परिभाषाएं दो है इसकी बेटे। पहली परिभाषा जिस जिस समास में पहला पद अव्यय हो। दूसरी परिभाषा, ये परिभाषा नंबर एक बेटे इसकी। परिभाषा नंबर दो, जिस समास में पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग हुआ हो। देखो बेटे यूं कह रहा है अव्ययी भाव समास जिस समास में पहला पद अव्यय हो। बेटे जिस समास में पहला पद अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास होगा। या का मतलब बेटे देखिए, आपसे कोई कहता है कि भी आप जो है गुलाब जामुन या रसगुल्ला ले आना, तो हम क्या करते हैं गुलाब जामुन या रसगुल्ले में से कोई एक चीज लेके आते हैं भी गुलाब जामुन या रसगुल्ला, तो कोई एक चीज अगर वो बोलता है गुलाब जामुन और रसगुल्ला तो दोनों, तो यहाँ बेटे या तो परिभाषा ये है, अगर ये नहीं है तो ये है। बेटे जहां पर ये होगा जिस समास का पहला पद अव्यय होगा अविभाव है, अगर ये नहीं है तो जिस समास में पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग हुआ वो है। देखो बेटे जहां पर ये परिभाषा होगी वहां पर ये नहीं होगी, जहां पर ये होगी वहां पर ये नहीं होगी, जहां पर ये दोनों नहीं होंगी वहां पर अविभाव समास नहीं होगा। तो बेटे देखते हैं भाव समास की एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब जैसे देखिएगा ये उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे भाई आजीवन आ जन्म आ कंठ प्रतिदिन यथाशक्ति। इसके बाद बेटे रातों रात दिनों दिन हाथों हाथ। देखिएगा बेटे अब कह रहा है कि जिस समास का पहला पद क्या हो अव्यय, तो बेटे पहला पद अव्यय उसको जांचने के लिए जैसे देखते हैं हमने लिखा यहाँ पर ये लिखा बेटा, हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिखाई दे जाएगा, यहाँ लिखा हमने आजीवन। तो प्यारे बच्चों जो पहले लिखा जाए वो पहला पद, तो पहला पद इसका आ निकाल लो कि आपको चेक करने के लिए अव्यय है या नहीं बेटे। तो अव्यय क्या होते हैं बेटे, अव्यय वो होते हैं अव्यय जिन शब्दों के लिंग और वचन नहीं बदलते वो अव्यय कहलाते हैं बेटे। जिन शब्दों के लिंग और वचन जैसे भी आ पहला पद अव्यय है या नहीं चेक करने के लिए हमने आ निकाला बेटे, पहला पद आ है ये तो कन्फर्म है। तो देखिएगा आ, अब आ को हमने यहाँ लिखा आ, देखिएगा वाक्य प्रयोग करते हैं लड़का आ गया, इसका बेटे लिंग चेंज करते हैं लड़की आ गई, वचन चेंज करते हैं लड़के आ गए, ध्यान दे ये चेंज होगा आ एज इट इज रह गया।
बेटे अर्थात जिन शब्दों के लिंग वचन नहीं बदलते हो वह अविभाव समास जिसका पहला पद क्या हो अव्यय हो बेटे, तो बेटे आ अव्यय है तो ये अविभाव समास हो जाएगा। जैसे देखो इसमें फिर आ है प्रति, जैसे देखेगा प्रति बेटे पहला पद प्रति है लड़के के प्रति, लड़कों के प्रति, लड़कियों के प्रति अव्यय। यथा संस्कृत का अव्यय बेटे, यथा का मतलब होता है के अनुसार, के अनुसार, तो बेटे लड़की के अनुसार, लड़कों के अनुसार एज इट इज रह गया अभी। तो बेटे परिभाषा नंबर एक थी ये, अब परिभाषा नंबर दो को चेक करते हैं कि भी जिस समास में पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग हुआ वही। पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं बेटे देखते हैं एक बार जरा, ऐसे लिखा गया है पुनरुक्त, पुनरुक्त बने बेटे उन्हें, उन्हें जमा उक्त से, उन्हें का मतलब दोबारा, उक्त का मतलब आना कहना या बात, तो पुनः का जैसे देखो बेटे यूं कह रहा है जब कोई एक शब्द एक साथ दो बार आ जाए, जैसे यहाँ लिखा आपने बेटे देखो रातों रात, रातों रात, एक बार रात आ गया बेटे फिर रात आ गया, फिर लिखा आपने दिनों दिन, दिनों दिन, एक बार दिन और फिर दिन, हाथों हाथ, बातों बात, आंखों आंख, ठीक है बेटे। तो अविभाव समास जिसमें पहला पद अव्यय हो या बेटे जिसमें पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग हुआ हो, ये था बेटे हमारा अव्ययीभाव समास। आगे बढ़ते हैं बेटे बहुव्रीहि समास की तरफ चलते हैं। बहुव्रीहि समास भाई एक तो पहले बेटे बहुव्रीहि होता, कई बार इसकी वर्तनी ही पूछ ली जाती, बहुव्रीहि नोट बहुव्रीहि। तो बेटे परिभाषा इसकी, जिस समास में न पहला पद पर धान हो, न पहला पद पर धान हो, न दूसरा पद पर धान हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर, किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हो भाई, इशारा कर रहे हो, यूं कह सकते हैं कि भी ना पहला पद पर धान ना दूसरा पद पर धान बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे तरफ इशारा कर रहे हो या किसी तीसरे को प्रधान बना रहे हो भाई। अब इसकी पहचान बेटे, इस समास में विग्रह करते समय जिसको ये आएंगे भाई, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये शब्द आएंगे जिसका, जिसने, देखो इशारा सूचक शब्द है जिसने। अब देखो बेटे पर समझते हैं बहुव्रीहि समास, ये दो देखेगा बेटे ऐसे लिखा गया बहु, इस दो तरह की बहू होती है, एक बहू ये बेटे इसका मतलब होता है वधु, वधु या बहू बेटे, एक ये इसका मतलब होता है बहुत सारे। जिस घर में बेटे पति पहला पद पति, दूसरा पद जो हो पत्नी, पति और पत्नी दोनों जिसमें साधे हैं वहां पर बेटे तीसरा चौथ घर करेगा आके। तो ऐसा समास जिसमें न पति प्रधान न पत्नी प्रधान, तो बेटे बुआ चाचा ताऊ मामा कोई ना कोई पड़ोसी चौधर करेगा, तो पहला और दूसरा पद मिलके तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, तो वहां बहुव्रीहि समास। इट मीन्स बेटे यू कह रहा है कि कोई तीसरा प्रधान बनता है, देखते हैं कैसे। यस देखिएगा भी, जैसे हमने लिखा लंबोदर में हो जाएगा बेटे लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, अर्थात बेटे श्री गणेश जी, गणेश जी। देखो लंबा
पहला पद है बेटे लंबा और दूसरा पद है उधर, न लंबा प्रधान न उधर प्रधान, न तो लंबा प्रधान न उधर, मतलब उधर का मतलब होता है बेटे पेट, न तो लंबा प्रधान न पेट प्रधान, बल्कि भगवान श्री गणेश जी प्रधान हो गए। तो पहला पद और दूसरा पद मिलकर बेटा ये जिसका इशारा करे, जिसका। इसके बाद अगला जो है, अगला लिखिएगा बेटे, अगला है पीताम्बर। पीताम्बर अर्थात पहला पद है बेटे पीत और दूसरा पद जो है वो है अंबर। तो क्या हो जाएगा, पीत है, पीत है अंबर जिसके, पीत है अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी पीत, और पीत का मतलब पीले और अंबर का मतलब बेटे वस्त्र। तो दोनों पद मिलकर तीसरे की तरफ इशारा करे। इसी तरह से चक्कर पानी, चक्कर है पानी में जिसके, पहला पद चक्कर है दूसरा पद पानी, इट मीन चक्कर है हाथ में जिसके, भगवान विष्णु। इसी तरह से हो जाएगा बेटे सवेतांबर, सवेत है अंबर जिसके, माँ सरस्वती कह लो या जैन धर्म की बेटे एक शाखा कह लो। इस तरह से बेटे आपके जो है ये बोगरी समास हो जाएगा। एक चार पाई भाई, ज्यादा बार पूछा जाता बेटे चार पाई बोगरी समास है प्यारे बच्चों। बोगरी देखेगा, बोगरी समास है चार है पैर जिसके, चार पाई शब्द विशेष खाट के लिए प्रयोग किया जाता बेटा और किसी के लिए नहीं। तो चार है पैर जिसके, इट मीन खाट या खटिया भी। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला समास बेटा, समय का थोड़ा अभाव है, नहीं तो उदाहरण और भी करा दूं मैं, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो फिर जो है यूट्यूब पे डलने में परेशानी हो रही है और बेटे लाइव क्लास आने के लिए और थोड़ा टाइम लगेगा, बस थोड़ा है, उसके बाद तो एक डेढ़ घंटे क्लास लंबी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बेटे अगला जो समास है वो बेटे दबंदव समास, दबंदव समास बेटे ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। तो बेटे दबंदव समास परिभाषा बेटे, जिस समास में, जिस समास में दोनों, जिस समास में बेटे दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, या बेटे दोनों पद समान हो। समान मतलब भाई बराबर, समान का मतलब है यहाँ पर बराबर, बराबर हो। युकर है भी, ये वो समास है जिसमें दोनों पद, पहला पद और दूसरा पद या तो प्रधान हो, दोनों प्रधान हो, या बेटे दोनों बराबर हो। यहाँ बेटे पति और पत्नी दोनों जो है, पति और पत्नी जो है दोनों प्रधानी के चक्कर में, ये कहता है मैं प्रधान और ये कहता है मैं प्रधान। तो बेटे इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक समझदार व्यक्ति यार उसने कह दिया रस्साकसी कर लो, दोनों बेटे इक्कीसवीं सदी की नारी थी, रस्साकसी में भी बराबर रह गई। तो बेटे इनके बीच में ये डैश लगा लीजिएगा। इसकी पहचान है बेटे, एक तो ज्यादातर इसमें विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, विलोम शब्द युगम आते बेटे, विलोम शब्द युगम बेटे ध्यान रहे, ज्यादातर ज्यादातर आता है ऐसा, ज्यादातर का मतलब 95% 100% नहीं है विलोम शब्द भाई, ज्यादातर आते बेटे विलोम शब्द 100% नहीं है, ठीक है। एक राउंड फिगर को छोड़ के जितनी भी गिनती आती हैं, जैसे आ गया अभी 31 राउंड फिगर, जैसे भी 30 है 50 है 100 है, इनको छोड़ के जितनी भी गिनती आती हैं सारी की सारी दमदव समास में आएंगी। देखते बेटे एक आध उदाहरण लेके, जैसे देखो बेटे सबसे पहले है माता पिता भी, माता पिता, तो बेटे जितनी जरूरत माँ की जीवन में उतनी पिता की है, तो दोनों पद समान है भाई। तो माता पिता विग्रह हो जाएगा माता और लग जाएगा बेटे माता और पिता। इसी तरह से देखो पति पत्नी, पति पत्नी, तो बेटे हो जाएगा पति और, पति और पत्नी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं बेटे, जैसे देखिएगा ये है विलोम शब्द को मानते हम, लेकिन उसने दे दिया बीमार्जुन, बीमार्जुन, तो देखो बेटे ये आपकी यहाँ पर गुण संधि है, तो हो जाएगा भीम और अर्जुन। कई बार कुछ
पहचान बता देते हैं कि जिसके बीच में डैश लगा हो, इसमें डैश नहीं है बेटे। तो ट्रिक ट्रिक मैं भी बता दूंगा, काफी आते हैं लेकिन ट्रिक हो गई यहाँ पे ट्रिक फेल। आप डैश ढूंढोगे डैश नहीं है, और ढूंढोगे और भी नहीं है, लेकिन फिर भी बेटे दमन दव समास होता बराबर का, जो आप गुस्सों का जो युद्ध करते हो दमन दव युद्ध होता है। इसी तरह से देखिएगा ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर, देखिएगा कहीं डैश नहीं है, कहीं और नहीं है, कहीं तथा नहीं है। तो देखो बेटे गुण संधि है प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर, हाँ विलोम शब्द विलोम जरूर है बेटे। तो ये है बेटे हमारा द्वंद्व समास। अब इस तरह से देखिएगा, एक मैंने बोला था 31, तो बेटे 30 और 1 ये हो जाएगा विग्रह इसका। तो राउंड फिगर को छोड़ के जितनी भी गिनती हो सारी की सारी द्वंद्व समास में आएंगी। जैसे सुख दुख है, लाभ हानि है, रात दिन है, खाना पीना है, ये सारे की सारे बेटे द्वंद्व समास में आएंगे। इसके बाद बेटे आगे बढ़ते हैं, अगला जो समास है बेटे वो है द्विगु समास। यस द्विगु समास बेटे, कई बार देखने को मिला है कि कई तो इसका उच्चारण ही गलत करते हैं। द्विगु बेटे ऐसे लिखा जाता था, अब ऐसे बात एक ही है, द्विगु है ये, नोट द्विगु, कई इसको द्विगु बोलते हैं, द्विगु द्विगु नहीं बेटे द्विगु है, क्योंकि हिंदी में किसी शब्द पे आधे वर्ण पे मात्रा लगती किसी भी शब्द में, तो बेटे द्विगु। तो परिभाषा है बेटे जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो वाचक हो तथा समस्त पद मिलकर समूह का बोध करा रहा हो। यूं कह रहे बेटे जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक तथा समस्त पद मिलकर समूह का बोध करा रहा हो भी। देखते हैं बेटे, इट मीन ये दोनों कंडीशन तथा लगा हुआ बेटे या नहीं है, ये भी मान्य होगी और ये भी, दोनों एक साथ आनी चाहिए भी इसमें। देखते हैं कैसे, जैसे लिख दिया भाई चौराहा पंजाब द्विगु, चौराहा पंजाब द्विगु। आगे बढ़ते बेटे, इससे आगे है जैसे भाई सप्तऋषि है, बहुत सारे उदाहरण इसके। इसके बाद बेटे शताब्दी है, देखो चौराहा पहला पद, एक तो बेटे इसकी पहचान बता दूं मैं, इसमें एक दो को छोड़ के जैसे भी एक तो दो पैर है, एक जैसे भाई आपका दशानन है, दो चार को छोड़ के ज्यादातर इसमें जो पहला पद है वो तत्सम मिलेगा। तत्सम मतलब भी संस्कृत का, जैसे चौ पंच दवि सप्त, ये संस्कृत के बेटे, जिसको हिंदी में या तद चार बोलते हैं, संस्कृत में चौ पंच इस तरह से बेटे। तो देखिएगा पहला पद संख्यावाचक, संख्या मतलब होता बेटे गिनती, एक दो तीन, ये काउंटिंग होती है, इसको संख्यावाचक बोला जाता बेटे। जैसे देखो चार राहों का समूह, तो बेटे चार राह यहां मिल रहे हैं, पहला पद है चार राहों का समूह। आगे बढ़ते बेटे इसका जो अगला है वो है पंजाब बेटे, तो पंजाब बेटे ज्यादातर इसको गलत करते हैं कि पांच नदियों का समूह, गलत है बेटे, पांच आबों का समूह,
पंजा बेटे पांच आप देखिएगा बेटे, एक नदी ये है और एक नदी ये है, दो नदियों के बीच की भूमि दो आब, तीन नदियों के बीच की भूमि तीन आब, चार नदियों के बीच की भूमि चार आब। तो बेटे पंजाब जो है पांच नदियों के बीच की भूमि है बेटे, आब मतलब नदियों के बीच की भूमि, यानी पंजाब में पानी पानी पांच नदियां इंसान भी रहते हैं। तू कुड़ी पंजाब दी, बहुत सारे बेटे की मैं बहुत सारे टोटे टोटे हो गए, ये वहां आदमी भी रहते हैं, खाली पानी पानी नहीं है। दबी को बेटे दबी का मतलब होता बेटे दो, दबी को हो जाएगा दो गायों का समूह, दो गायों का समूह। तो बेटे एकमात्र ऐसा समास जो समस्त पद भी है, दबी गु दो गायों का समूह, एक समस्त पद भी बेटे सप्तऋषि सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समूह बेटे। इस तरह से शताब्दी सौ सालों का या वर्षों का समूह वही। इसी तरह से बेटे एक रचना है बिहारी जी की अष्टाध्यायी आठ अध्यायों का समूह। इसी तरह से बेटे बिहारी जी की है सत्सई 702 का समूह, दो पैर बेटे दो पैरों का समूह, दो पैर कहते ना भी पैर पैरों का समूह। देखिएगा बेटे जैसे कहते ना आठ पैर, तो 24 घंटे में आठ पैर होते बेटे, तीन घंटे का एक पैर होता दो पैर, जैसे भी सुबह और शाम के बीच को दो पैर बोलते हैं, जहां दो पैर। इधर 10 आनंद 10 आननों का समूह, 10 मुख भई। आगे बढ़ते बेटे, अगला जो है अगला समास है हमारा बिल्कुल आसान सा समास है, जो पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, उस समास का नाम है बेटे कर्मधारय। तो देखते हैं बेटे कर्मधारय को, कर्मधारय बेटे दो परिभाषाएं हैं, बिल्कुल आसान है, दो परिभाषाएं इसकी। पहली बेटे जिस समास में पहले पद तथा दूसरे पद के बीच में, पहले पद तथा दूसरे पद के बीच में उपमान उपमेय का संबंध हो। दूसरी परिभाषा बेटा इसकी या वही है आपके अव्यय भाव की तरह, या दो परिभाषा इसकी। दूसरी जिस समास में दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध हो भाई, विशेषण विशेष्य का संबंध हो। देखो बेटे क्या है कि दो परिभाषाएं, या तो ये होगी जहां पर ये होगी वहां पर ये नहीं होगी, जहां पर ये होगी वहां पर ये नहीं होगी। बेटे दो परिभाषाएं या लगा हुआ है, जिस समास में दोनों पदों के बीच उपमान उपमेय का संबंध हो या बेटे विशेषण विशेष्य का संबंध हो। पहली बात उपमान उपमेय को देखते हैं बेटे, उपमान उपमेय देखो बेटे क्या है, उपमान उपमेय उपमान और उपमेय ये देखिएगा बेटे कुछ भी नहीं है। उपमान का मतलब होता है छोटा और उपमेय का मतलब होता है बड़ा, अर्थात कोई चीज गुणों के आधार पर छोटी बड़ी है। जैसे देखो यहां है भाई ये है चंद्रमुख, तो बेटे पहला पद है चंद्र और दूसरा पद है मुख, पहला पद है चंद्र दूसरा पद है मुख, तो दोनों के बीच में बेटे चंद्र जो है वो बड़ा है, चंद्र जो है वो बड़ा है और बेटे उपमान बड़ा होता है और उपमेय छोटा होता है। तो देखिएगा चंद्र जो है वो बड़ा है और मुख जो है वो छोटा है, तो बेटे दोनों पदों के बीच में छोटे बड़े का संबंध हो गया। इसी तरह से जैसे भाई कमल बड़ा है तो बेटे कमल उपमान हो जाएगा और नैन छोटा है, नैन उपमेय हो जाएगा। ये तो थी बेटे पहले वाले के, कमल नैन चंद्र मुख चंद्र,
तो आगे पीछे कौन सा भी हो सकता है उपमान उपमेय, ये नहीं कि भी पहले उपमान आएगा फिर उपमेय आएगा, ऐसी कंडीशन नहीं है। दूसरा बेटे दूसरा है विशेषण विशेष्य है। तो बेटे एक बार क्लियर समझा दे, उदाहरण के साथ चलते हैं। देखिएगा विशेषण वो होता है बेटे जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताए, विशेषता बताए वो तो होता विशेषण। अब बेटे जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको बोलते हैं विशेष्य। यूं कह रहे बेटे दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, या तो जैसे देखो आपने देख लिखो बेटे नील कमल, नील कमल पहला पद है नील, दूसरा पद है कमल। तो बेटे नील का मतलब नीला, कमल का मतलब कमल, तो ये जो नीला है ये है विशेषण कमल, कमल कमल है विशेष्य, कमल की विशेषता बताई जा रही है बेटे। इसी तरह से देखो लाल मिर्च, तो बेटे लाल तो है विशेषण और मिर्च है विशेष्य। तो प्यारे बच्चों मिर्च की विशेषता बताई गई, ये विशेष्य काली टोपी सफेद कमीज इस तरह से। अब जैसे देखिएगा बेटे एक बात और, जब हम इसका विग्रह करें कर्मधारय की, या तो बेटे रूपी शब्द आएगा विग्रह में या जो लगेगा। तो अगर मान लो उपमान उपमेय का संबंध है तो जो लगेगा, जैसे कमल कमल है जो नैन, चंद्र है जो मुख, और अगर विशेषण विशेष्य है तो रूपी लगेगा, जैसे जैसे बेटे नीली, जैसे देखो थोड़ा उल्टा बता गया मैं, अगर विशेषण विशेष्य का संबंध है तो बेटे जो लगेगा, जैसे लाल है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, लाल है जो टोपी, और बेटे अगर उपमान उपमेय का संबंध है तो रूपी लगेगा, ठीक है। चंद्र रूपी मुख, कमल रूपी नैन, इस तरह से बेटे, ठीक है। बढ़ते बेटा आगे, अब कुछ समस्त पद ऐसे बेटे जो कर्मधारय में भी आते हैं और बहुव्रीहि में भी आते हैं। तो आप कहोगे कि सर अब पेपर में अगर आ गया तो हम क्या करें बेटे, जो ऑप्शन नंबर पहले पे है इट मीन्स चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में सपोज करो उन्होंने डाल दिया भी पीताम्बर, पीताम्बर ऐसा है जो बहुव्रीहि है और कर्मधारय में भी आता है, तो ए बी सी और डी, बी ऑप्शन पे आ गया बेटे बहुव्रीहि और बेटे ए ऑप्शन पे आ गया कर्मधारय। तो मेरे प्यारे बच्चों कर्मधारय ठीक है, कहीं भी किसी किताब में लिख रखा कि कर्म, फिर ये कर्मधारय में क्यों काउंट करते कि बहुव्रीहि बड़ा है बहुव्रीहि, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चीज जब दोनों में पहले ही विद्वान मान चुके हैं तो हम पास से उसको बहुव्रीहि नहीं भी, जो पहले नंबर पे आ जाए वही है। इसी तरह से जैसे भाई नीलकंठ है कर्मधारय भी है बहुव्रीहि भी है, जो पहले ऑप्शन पे आएगा, जैसे मान लो सी पे बहुव्रीहि है डी पे कर्मधारय, तो बहुव्रीहि ठीक होगा, ठीक है, ध्यान रखना बेटे इस बात का। आगे जो आपका लास्ट जो है वो है बेटे तत्पुरुष समास। देखिएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है बेटे, परिभाषा जब दोनों, जब बेटे दोनों पदों का विग्रह करने पर, विग्रह करने पर बीच में विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं। बेटे दोनों पदों का जब विग्रह करते हैं तो बीच में विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं, चिन्ह आ जाते हैं, आ जाते हैं, तो बेटे उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखो पहला राजपुत्र, बेटे पहला पद है राज, दूसरा पद है पुत्र, दोनों पदों के बीच में जब विग्रह करते हैं तो हो जाएगा बेटे राजा का पुत्र। मेरे प्यारे बच्चों पहला पद है राजा, दूसरा पद है पुत्र, इनके बीच में का वह का, देखो का में से पर के लिए को, ये सारे के सारे भक्ति चिन्ह है। परिभाषा ये कह रही है कि विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में जब विभक्ति चिन्ह आ जाता है, जैसे देखिएगा राजकन्या, राजकन्या पहला पद है राज, दूसरा पद है कन्या, तो देखिएगा राजा की कन्या। इसी तरह से बेटे जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी पहला पद है रेल, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। इसी तरह से बेटे देशाटन, देशाटन
देश पहला पद है देश, दूसरा पद है अटन, देश में अटन, विदेश में घूमना, देश में अटन। तो ये में आ गया बेटे, यहां पर आ गया था। इसी तरह से बेटे ग्राम गत्य, शरणागत्य, देशभक्ति, राम भक्ति, शिवार्पण, शिव को अर्पण, राम की भक्ति, देश की भक्ति, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो बेटे ये थे समास। अगली क्लास में आपके कमेंट के अनुसार अगला टॉपिक लेके फिर मिलेंगे। बेटे मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ, TNI कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूलें, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ही जल्दी हम लाइव क्लासेस आपको फोन से प्रोवाइड करा देंगे, जब तक लॉकडाउन है। क्योंकि बेटे अगर हम लैपटॉप से बनाते हैं तो पिक्चर क्लियर नहीं आती। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बेटे।